अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हमने 10 किलो वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया ऑन ग्रिड बैरेटाउन फेज़ 3। ये बैरेटाउन फेज़ 3 का इलाका है और यहाँ पे हमने 10 किलो वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया। और मैं ये आपको सोलर पैनल और इन्वर्टर की भी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि इसके साथ कितने पैनल लगे हैं और कौन सा इन्वर्टर लगा है। ये नंबर ऑफ टोटल पैनल जो हैं 19 पैनल हैं और हमने 10 की एक स्ट्रिंग बनाई है और 11 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाई है। और यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है वो गैल्वेनाइज्ड L3 इस्तेमाल किया है। और इसके साथ जो पैनल इस्तेमाल किए हैं वो लोंगी के पैनल इस्तेमाल किए। मैं अभी आपको ऊपर भी छत पे चढ़ के मैं पैनल की डाटा शीट भी दिखाता हूँ और लाइटनिंग रजिस्टर भी दिखाता हूँ और इसकी जो हमने कम्प्लीट केबलिंग की है प्रॉपर तरीके से वो भी मैं चेक कराता हूँ। जी दोस्तों, ये मैं छत पर आ गया हूँ। ये 6 पैनल पहली रो में लगे हुए हैं, उसके बाद 6 पैनल ये आगे इसके लगे हुए हैं दरमियान में, और ये 6 पैनल ये लास्ट में लगे हुए हैं। ये L3 स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है और 6 पैनल का हमने सेट बनाया है। माशाल्लाह नीट एंड क्लीन तरीके से हमने केबलिंग की है और इसकी हमने अर्थिंग भी हर स्ट्रक्चर की अलग अलग अर्थिंग की है। ये इसकी अर्थिंग है, ये अर्थिंग है कम्प्लीट तरीके से इसकी अर्थिंग हुई है और लाइटनिंग रजिस्टर भी हमने इसके साथ लगाया है। अभी हम इन्वर्टर की तरफ चलते हैं, मैं आपको इन्वर्टर का भी उसकी डाटा शीट भी दिखाता हूँ और उसके साथ कौन सी कंपनी का इन्वर्टर का है वो भी दिखाता हूँ। ये सोलर पैनल है जो लेटेस्ट मॉडल अभी जो मार्केट में चल रहा है वही पैनल हमने लगाए हैं, लॉन्जी पैनल है। ये इसकी मैं डाटा शीट भी आपको दिखा देता हूँ। लॉन्जी पैनल 540 वाट, ये पैनल हमने इस्तेमाल किए हैं। 10 किलो वाट का सोलर सिस्टम है, 18 पैनल तो छत के ऊपर ही आ गए हैं और एक पैनल हमने नीचे हैंग किया। ये मैं अभी आपको इन्वर्टर की तरफ लेके जाता हूँ, इसकी मैं आपको केबलिंग भी दिखाता हूँ कि कैसे कितने अच्छे तरीके से हमने काम किया। ये जो हमने सिस्टम जो इंस्टॉल किया है ये बियॉन्ड कंपनी का है, बियॉन्ड सोलर एनर्जी कंपनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। तो अगर किसी दोस्त ने इंस्टॉलेशन करवानी हो या प्रोजेक्ट लगवाना हो तो आप गूगल पे जाके बियॉन्ड सोलर एनर्जी सर्च करके उनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्योंकि हम आपको जैसे कि आपको पता है कि हम इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी देते हैं और अपने खुद के पे भी प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो ये इनका सिस्टम था जो हमने इंस्टॉल करके दिया है 10 किलो वाट का। अभी हम नीचे इन्वर्टर की तरफ चलते हैं, मैं आपको इन्वर्टर का व्यू भी दिखाता हूँ कि इन्वर्टर कौन सा लगाया है और कितने किलो वाट का है। जी तो दोस्तों, अभी हम नीचे आ गए हैं। ये ग्रो वाट 15 किलो वाट का हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है, इसकी मैं आपको डाटा शीट भी दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डक्टिंग की है, प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन काम हुआ है। दो स्ट्रिंग थी तो हमने 2 DC ब्रेकर लगाए हैं और 1 AC ब्रेकर लगाया। ये ग्रो वाट का अभी इनके हमने एप्लीकेशन दे दिया नेट मीटर की, वो जैसे ही ये इसकी डाटा शीट है। ग्रो वाट का 15 किलो वाट का इन्वर्टर है और मैक्सिमम जो PV वोल्टेज रेंज है इसकी 1100 वोल्ट DC रेंज है। ये इन्वर्टर है ग्रोवाट का ऑन ग्रिड। तो ये इसकी DP है, यहाँ से हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी प्रॉपर काम किया। अभी अंदर का काम तो हो गया, बस ये थोड़ा सा काम रहता है ये डक्टिंग का, बस ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब फेज 3 में हमने प्रोजेक्ट 10 किलो वाट का कम्प्लीट कर लिया, इसके साथ हमने 15 किलो वाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया और अभी हमने जाना है फेज 4 में और वहाँ पे भी हमारा एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद डी ब्लॉक फेज 8 में। तो अगर किसी दोस्त ने प्रोजेक्ट लगवाना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और आप यह है कि प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और हम आपको इसकी सर्विसेज भी अच्छी देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।